हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रॉम एकेडमी। एग्जाम फ्रॉम एकेडमी के इस वीडियो में आप तक हम 26 मई 2018 का करंट अफेयर ला रहे हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने 25 और 24, उससे पहले सभी के दिनों के करंट अफेयर अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये मेरा डेली करंट अफेयर 8 बजे आता है, और आप डेली देखने के लिए मेरा एग्ज़ाम फ्रॉम अकेडमी यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, और ये सुबह 8 बजे अपलोड हो जाता है। आज का पहला क्वेश्चन है, किसे कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? किसे कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो जब चुनाव होते हैं उसके बाद विधानसभा एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो किसे कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? YE चेरापल्ली, या KS रमेश कुमार, या दीपक दास, या देवेंद्र सिंह पहरोलिया? तो कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष KS रमेश कुमार को चुना गया है। KS रमेश कुमार को कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्कूल शिक्षा के लिए समग्र योजना का शुरुआत की है? हाल ही में किसने स्कूल शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत की? उत्तर, नरेंद्र मोदी ने, सुषमा स्वराज ने, प्रकाश जावड़ेकर ने, रामनाथ कोविंद ने? तो आपको पता होगा कि हमारे HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं, तो उन्होंने ही शुरुआत किया है समग्र शिक्षा योजना। प्रकाश जावड़ेकर ने शुरुआत किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस के द्वारा भारत डच गंगा फोरम का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किसके द्वारा भारत डच गंगा फोरम का उद्घाटन किया गया? उत्तर होगा मार्क रूटे। मार्क रूटे इस नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, जो कि इस समय भारत के दौरे पर आए हुए हैं, तो उन्होंने ही भारत डच गंगा फोरम का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का आतंकवादी विरोधी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO का आतंकवादी विरोधी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? भारत में, पाकिस्तान में, तजाकिस्तान में, या उज्बेकिस्तान में? तो आतंकवाद SCO आतंकवादी विरोधी सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडन में संपन्न तीसरी मिशन इनोवेशन मंत्री मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हाल ही में स्वीडन में संपन्न तीसरी मिशन इनोवेशन मंत्री मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सुषमा स्वराज ने, या डॉक्टर हर्षवर्धन ने, या सुरेश प्रभु ने, या निर्मला सीतारमन ने? तो जो अभी तीसरी मिशन इनोवेशन मंत्री मीटिंग समिट हुई है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिशन इनोवेशन मंत्री मीटिंग जो स्वीडन में हुई, उसमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रकोमा मुक्त घोषित कर दिया? नेपाल को, या भारत को, या श्रीलंका को, या पाकिस्तान को? तो उत्तर हो जाएगा नेपाल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने नेपाल को ट्रकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ISSF वर्ल्ड गोल्ड कप जीता? तेजस्वी सावंत ने, रीता फारिया ने, या PV सिंधु ने, या साइना नेहवाल ने? तो उत्तर हो जाएगा तेजस्वी सावंत ने। अभी जो हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप हुआ, उसमें तेजस्वी सावंत ने गोल्ड मेडल जीता, यानी कि उत्तर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय प्रेस काउंसिल यानी कि PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे भारतीय प्रेस काउंसिल यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति सी के प्रसाद को, या चंद्रकांता को, या रविकांत मिश्रा को, या जस्टिस लोढ़ा को? तो उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति सी के प्रसाद। न्यायमूर्ति सी के प्रसाद को भारतीय प्रेस काउंसिल का अध्यक्ष यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति महोत्सव 2018 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2018 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान में, या उत्तराखंड में? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि डी, उत्तराखंड में 2018 का 9वां संस्करण राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिडन इंडिया नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? हाल ही किस लेखक ने किया? हाल ही में हिडन इंडिया नामक पुस्तक का अनावरण किस लेखक ने किया?
किरण बेदी ने या लतिका नाथ ने या सुषमा स्वराज ने या मैरी कॉम ने? तो उत्तर हो जाएगा बी, लतिका नाथ ने। हाल ही में लतिका नाथ ने हिडन इंडिया नामक पुस्तक का अनावरण, यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे डिजिटल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे डिजिटल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ को या नारा लोकेश को या मनोहर लाल खट्टर को या चंद्रबाबू नायडू को? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नारा लोकेश को डिजिटल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नारा लोकेश को डिजिटल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एयरटेल पेमेंट बैंक का प्रबंधक निदेशक व सीईओ यानी कि सीईओ या और एमडी नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे एयरटेल पेमेंट बैंक का प्रबंधन निदेशक यानी कि एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया? अनुव्रता विश्वास को या संजीव ठाकुर को या पवन कुमार को या निखिल शर्मा को? तो राइट आंसर हो जाएगा राइट ए, अनुव्रता विश्वास को एयरटेल पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर विश्व भारती विश्वविद्यालय के 49वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की? हाल ही में किस स्थान पर विश्व भारती विश्वविद्यालय के 49वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की यानी कि भाग लिया? छत्तीसगढ़ में या पश्चिम बंगाल में या केरल में उत्तर प्रदेश में? तो आपको पता होगा कि जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है वो पश्चिम बंगाल में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा कि यानी कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के 49वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जाकर उसमें हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रोकोमा को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना? हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रोकोमा को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बना? उत्तर हो जाएगा नेपाल। नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रोकोमा नामक बीमारी जो कि आँख की बीमारी है को खत्म करने वाला पहला देश बना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने 100 अरब डॉलर के क्लब में पहुंचने का इतिहास रखा रचा? निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने 100 अरब डॉलर के क्लब में पहुंचने का इतिहास रखा? IBM ने, जो कि भारतीय है ही नहीं, कैंसल हो गया। EY, ये भी नहीं। TCS, हाँ जी हाँ सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि टाटा की कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने वह भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनी है जो कि 100 अरब डॉलर के क्लब में पहुंचने का इतिहास रचा। यानी कि TCS भारत की पहली कंपनी बनी जो कि 100 अरब डॉलर क्लब में पहुंचने का इतिहास रचा। यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 26 मई 2018 के सभी करंट अफेयर। ये मेरा वीडियो डेली 8 से 9 बजे के बीच में अपलोड हो जाता है, और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं आज दोपहर में ग्रुप डी और लोको पायलट्स के प्रीवियस ईयर का जीके क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। आपको देखना है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं वहीं 12 से 2 के बीच में ग्रुप डी प्रीवियस ईयर जीके का पेपर अपलोड करूंगा। और मेरे ग्रुप डी या ALP या उत्तर प्रदेश पुलिस या राजस्थान जीके के बहुत सारे जीके के वीडियो अपलोडेड हैं, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।